पर आपका आज वीडियो में स्वागत है। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं द ग्रेट इंडियन कपिल शो, फर्स्ट टाइम एवर आमिर खान, बचा हुआ कंटेंट कपिल शर्मा। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। लेने से पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किए, लाइक किए, शेयर को फॉलो किए इनके चैनल को। उसके अलावा हम लोग चैनल का लिंक Instagram में लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किए, लाइक किए, शेयर को फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। आप लोग अपने कीमती समय से समय निकाल के आए हैं, नहीं तो कौन आज की डेट में फ्री में शो देखने जाता है। वेलकम टू कैप्स कैफे। अरे यार मैं इतना खुश हूँ आज कपिल, सीरियसली एक तो मेरी आवाज चली गई है, तुझे नोटिस हो रहा है मेरी आवाज बैठी हुई है, आप लोगों को लग रहा है फील हो रहा है? हाँ, क्योंकि दो हफ्ते पहले कपिल मुझसे मिलने आया था। हाँ। मैं चेन्नई में था जी और उसने रात भर मुझे सोने नहीं दिया। हमने नहीं सोने दिया? नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं की हम लोग बट रात भर अपने जागे रहे। उसके बाद मेरा गला खराब हो गया। दो हफ्ते हो गए तक ठीक नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ। आमिर भाई ने बहुत प्यार दिया हमेशा, जब भी मिले नेटफ्लिक्स पे जब हम ये शो ला रहे थे इनके साथ हमारी दो तीन मीटिंग में ही हो गया डन। आमिर भाई को जब शो पे बुलाना था 10-12 करनी पड़ी क्योंकि हर चीज का मतलब प्यार भाई। आमिर भाई इतना डिटेलिंग में काम करते हैं, तो हीरा लाल जी का सवाल था, ये पूछ रहे थे कि जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और मेन्यू पढ़ के उसी समय ऑर्डर करते हैं कि उसको बोलते हैं कि मेन्यू पढ़ लिया है, मैं अगले शनिवार आता हूँ। हीरा लाल जी कैसे सवाल पूछवा रहे हैं? ये हीरा लाल कौन है, कहाँ बैठा है ये? चुप रहो, आप अगला एपिसोड कर रहे हैं। आप हमेशा फिल्म करने से पहले काफी सोचते हो भाई, कभी आप ऐसा हुआ कि कोई आपने फिल्म कर ली हो बाद में सोचना पड़ा होगी यार वो? एक फिल्म थी, अच्छा हमें राई प्यार के, अच्छा जी, मुझे कैरेक्टर एंड तक मिला ही नहीं, मैं ढूंढता रहा कैरेक्टर, मैं कंफ्यूज घूमता रहा, मैं भट्ट साहब को बोलता गया कि फर्स्ट शेड्यूल मतलब पहले हफ्ते में मुझे लगा यार कैरेक्टर पकड़ में नहीं आ रहा, पकड़ में नहीं आ रहा है, फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो गई मेरा कैरेक्टर पकड़ में नहीं आ रहा है। तो भट्ट साहब ने बोला ये करेक्ट है कि इस फिल्म में तुम हमेशा कंफ्यूज घूमते रहते हो, तो तुम्हारा कैरेक्टर पकड़ में नहीं आया, सही परफॉर्मेंस है तुम्हारा। स्ट्रगल करनी पड़ती है बहुत कैरेक्टर पकड़ने में, थोड़ा कभी पकड़ में आता है कभी नहीं आता। तो आमिर भाई पहली बार हमारे शो पे आए हैं, मुझे पता है कि आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं, तो ये मौका हम आपसे छीनेंगे नहीं। तो आपके मन में सवाल है आमिर भाई से आप करना चाहते हैं, आप लोग अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। जी भाई साहब, आप क्या पूछना चाहते हैं और क्या तकलीफ है आपको? हेलो कपिल जी। हेलो सर। हेलो आमिर जी। हेलो जी, मेरा नाम डॉक्टर अनिल गर्ग है। हाँ जी। मैं थाने से आया हूँ। अच्छा, थाने से आए हैं जी? किस केस में गए थे? थाने, डिस्ट्रिक्ट थाने से। मैं आमिर जी से सवाल पूछना चाहता हूँ, आपकी एज 58 ईयर्स है, तो मैं भी आप ही की एज का हूँ करीब करीब। हाँ, मैं ससुर बन चुका हूँ, लेकिन आप तो अभी दामाद ही लगते हो। क्या राज है आपका ये हेल्थ का, ये फिटनेस का? सर कुछ तो शेयर करिए सर। नहीं कुछ नहीं, मतलब क्या शेयर करूं मैं, अम्मी अब्बाजान की जीन्स थोड़े अच्छे रहे होंगे, मतलब मेरा इसमें कोई क्रेडिट ही नहीं है, मतलब आप मेरी बात मानिए, मैं ना वर्कआउट करता हूं, ना मैंने आज तक फेस पे क्रीम लगाया। जब मैं एक्टर बना पहली दफ़ा तब मुझे पता लगा शैम्पू क्या है, मैं तो साबुन से करता था। हाँ, ये सारी मतलब एक चीज़ नहीं की है मैंने अपने आप को बेहतर बनाने के लिए। जब फिल्म आती है तो फिल्म के लिए मैं कर लेता हूँ, बहुत लेजी हूँ मैं एक्चुअली कुछ नहीं करता हूँ। आप भी कुछ मत करिए, आप नहीं नहीं माँ कसम आप भी कुछ मत करिए, लाइफ एंजॉय करिए। इतना कुछ करने के बावजूद भी वाइफ ताने मारती रहती है, आमिर जी जैसे आप बनो, बूढ़े लगने लग गए हो, आमिर जी से कुछ सीखो। अनिल जी आप तो बहुत हसीन लग रहे हैं मुझे, मेरी वाइफ को बता दीजिए। नहीं वाइफ आपकी कहाँ है सर? ये नहीं, अच्छा ये आपकी वाइफ, तो आप इस तरफ क्यों चिपक के बैठे हुए थे फिर? मौका मिले तो छोड़ना नहीं चाहिए। अरे आप ऐसा क्यों कहती हैं इनसे? कितने हैंडसम है आपके पति, इतने हैंडसम, इनकी देखिए उनकी मुस्कुराहट देखिए, ये शाबाश। शुक्रिया डॉक्टर साहब, धन्यवाद शो में आने के लिए। थैंक यू मैम। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। हेलो कपिल सर। हेलो अर्चना मैम। हेलो। सो मेरा क्वेश्चन अमित सर से, आई एम मैनेजमेंट स्टूडेंट एंड मैं कैट की प्रिपरेशन कर रही हूँ, बट 3-4 ईयर्स से आई एम नॉट फीलिंग लाइक कि बहुत ही
यू नो मॉक टेस्ट में आई एम नॉट गेटिंग द मार्क्स विच एक्चुअली आई शुड गेट, तो उसको उस चीज़ को देख के आई गेट वेरी डीमोटिवेटेड. मतलब पेरेंट्स तो ऑब्वियसली सपोर्टिंग है, बट आसपास के रिश्तेदार देर लाइक कि नहीं इससे नहीं होगा, चलो एज हो गया तो यू कैन गेट मैरिड इस टाइप में दे यूज टू गिव ऐसे सलाह पेरेंट्स को. सो आई वॉन्ट टू आस्क यू, बींग अ स्टार डू लाइक हैव दिस सिचुएशन, तो आप ब्रेक लेना प्रेफर करते हो, लाइक वॉट काइंड ऑफ स्टफ यू डू इन दैट सिचुएशन? क्योंकि ऐसा होता है कि 3-4 साल एक मूवी पर मेहनत करी एंड दैट डजंट वर्क. हाँ, अभी हाल ही में मेरी फिल्म आई थी लाल सिंह झंडा जो नहीं चली, और मुझे जैसे आप निराश हैं, मैं भी बहुत निराश हुआ और बड़ा दुख हुआ, क्योंकि हम इतना हमारा इमोशन डालते हैं फिल्म के अंदर, और हम में से हर इंसान ने उस फिल्म के अंदर पूरी कोशिश की थी, हमने जान लगा दी थी, लेकिन हमने फिल्म शायद अच्छी नहीं बनाई, कुछ कमी रह गई जो पब्लिक को अच्छी नहीं लगी. तो ये एक सीखने का मौका होता है. आपकी जो गलतियाँ होती हैं ना, वो आपको सबसे ज़्यादा सिखाती हैं. जब से मैंने करियर में जब एक्टिंग शुरू की अपने करियर में, सबसे ज़्यादा मैं अपनी गलतियों से सीखा हूँ. तो जब आप गलती करते हो, जब आप कामयाब नहीं होते हो, तो उस वक्त आप डिप्रेस हो जाते हो, निराश हो जाते हो, लेकिन उससे आपको एक चीज़ याद रहनी चाहिए कि मैं क्यों सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्या कमी रह गई, आप वो समझने की कोशिश करो. मैं वही करता हूँ कि लाल सिंह में मैंने क्या गड़बड़ किया. जैसे मैं बताता हूँ, मुझे लगता है लाल सिंह में मैंने अपने परफॉर्मेंस को थोड़ा ज़्यादा हाई पिच कर दिया, तो वो होल्ड नहीं हुआ, वो पूरी फिल्म फैल गई. ये मुझे लगता है, मतलब पूरा भार मेरे पे था एक्चुअली, मुझसे गलती हुई एज ए परफॉर्मर. तो अब उस चीज़ को मैं अगली फिल्म में कोशिश करूँगा कि मैं इस चीज़ को रेक्टिफाई करूँ, जो मैंने गलती एक दफ़ा की है उससे मैं सीखूँगा. तो ये मतलब आपकी गलतियाँ आपकी गलतियाँ ही आपको सिखाती हैं. योर मिस्टेक्स आर योर बिगेस्ट टीचर्स, बिगेस्ट टीचर्स. That sounds like a perfectionist. How sweet. Yeah. Thank you. My name is Sana. Sana. Oh, nice Sana, thank you so much for coming. और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब. Hello sir. Kapil sir. Hello. Amir hello. Sir. Hello. थोड़ा डर लग रहा है. हाँ. हमें आपसे लग रहा है. सर मेरा नाम विकास है. विकास. कैलेस से आता हूँ. अच्छा जी. सर जैसा कि आप हर चीज़ में परफेक्ट हो, तो मैं भी आपके तरह परफेक्ट बनना चाहता हूँ. तो सर मैं आपसे एक क्वेश्चन था मेरे लिए, जैसे कि एक आप जो पैक बनाते हो. क्या बनाते हो? पैक 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 के पैक 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 दारू 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 का पैक. सर ओके, मैं बनाता हूँ. हाँ. तो कभी पानी ज्यादा होता है, कभी ड्रिंक ज्यादा हो जाता है. हाँ, हाँ. कभी लाइट चले जाती है, कभी बैलेंस आउट हो जाता है. हाँ. तो एक तरीका बता दीजिए. बड़े इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन. ये विकास तो हो गया, देश का विकास था, ये क्वेश्चन कहाँ से आते हैं आपके? पानी मैं आपको बताता हूँ. हाँ, मैं आपको बताता हूँ. आप परफेक्शनिस्ट बनना चाहते हैं. हाँ सर. आप दारू छोड़ दो, पैक बनाना छोड़ दो, आपका प्रॉब्लम ना पानी गिरेगा, ना अल्कोहल गिरेगा, ना आपको अंधेरा नजर आएगा. बट मैं एक चीज बताऊं परफेक्शनिस्ट के बारे में. लोग मुझे बोलते हैं परफेक्शनिस्ट, मुझे कोई इसमें एतराज नहीं है, अच्छी बात है, सब मुझे परफेक्शनिस्ट बोलते हैं, लेकिन सच्चाई ये कि मैं परफेक्शनिस्ट नहीं हूँ. क्योंकि परफेक्शनिस्ट होना बड़ा बोरिंग होता है, हर चीज सही करो, ये करो, मैं उसमें मानता ही नहीं हूँ. मैं मानता हूँ जादू में. जब हम काम करते हैं कोई भी काम, मैं क्रिएटिव काम करता हूँ और लोग दूसरा काम करते हैं, जो भी आप काम करें ना, उसमें जादू होना चाहिए. जब आप शॉट करें ना, तो वो परफेक्ट हो, सबने लाइन करेक्ट बोला है, फोकस भी ठीक है, सब कुछ सही है, मज़ा नहीं आता है. जब तक उस कुछ जादू नहीं होना टेक में, शॉट में, तब तक मैं खुश नहीं होता. तो मैं जिस चीज़ किसके पीछे दौड़ता हूँ, वो परफेक्शन नहीं है, वो जादू है. मैं जादू के पीछे दौड़ता हूँ. सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ. थैंक यू सो मच. आपकी अगली फिल्म अच्छी जाए. थैंक यू ब्रदर. और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब. हेलो अर्चन मैम. हेलो अमीर सर. हेलो कपिल. बिग फैन ऑफ ऑल ऑफ यू. थैंक यू सर. सर आपसे एक क्वेश्चन है. हमने शाहरुख खान एंड सलमान खान को तो दोनों को एक साथ मूवी में देख लिया है. कुछ ऐसा जादू करिए कि आप तीनों एक साथ एक मूवी पे आए और पूरी दुनिया एक साथ देखे. यार मैं एक चीज़ बताऊं. जी भाई. ये बात जो आप बोल रहे हो ना, आपका नाम क्या है?
आकाश. आकाश आपकी थिंकिंग और मेरी थिंकिंग बड़ी सिमिलर है यार. सर नाम भी मैच करता है. हाँ. दिल चाहता है इसे. आकाश. मैंने अभी हाल ही में मैं सलमान को भी मिला, शाहरुख को भी मिला, हम लोग तीनों साथ में थे और मैंने कहा कि यार हम तीनों इतने सालों से एक इंडस्ट्री में हैं, ये ऑडियंस के लिए बड़ा गलत हो जाएगा कि हम लोग अपना करियर के इस दौरान हम एक फिल्म, अगर हम साथ में नहीं करें. एक तो बनती है. तो एक तो बनती है. तो मैंने सलमान से भी ये बात की, शाहरुख से भी बात की, दोनों ने बोला हाँ करते हैं, गाने ढूंढते हैं, करते हैं. बल्कि दो दिन पहले सलमान मेरे घर आया था. अच्छा जी. ओ, ये जीन्स उसने मेरे को दी. अच्छा जी. कैसी लग रही? वेरी नाइस. ये उसका बींग ह्यूमन की जीन्स है. अच्छा. तो जब भी उसका नया कुछ आता ना कलेक्शन, वो मेरे घर पे आता है पूरा डब्बा लेके. और टी शर्ट वीशर्ट मतलब अभी काफी अच्छा देखूंगा मैं आजकल. तो उससे भी मैंने ये कहा था दो दिन पहले. तो हम कोशिश करते हैं कि तीनों हम एक फिल्म में आए, हम लोग की कोशिश है. लेट्स होप कि कोई अच्छा कहानी हम लोग को मिले, कोई अच्छे डायरेक्टर्स हमको कहानी ऑफर करें. और सर प्रोड्यूसर की जरूरत रहेगी तो मैं फाइनेंस करने के लिए तैयार हूं. आकाश जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे शो में आए. काफी महंगा सवाल पूछा आपने. तीनों स्टार एक साथ. बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जी. थैंक यू. शुक्रिया. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का शो में आने के लिए. शुक्रिया. भाई आज के बचे हुए कंटेंट में ऑडियंस की तरफ से काफ़ी जो है अच्छे अच्छे जो है सवाल पूछे गए. और आमिर खान सर के अगर मैं जवाब की बात करूँ तो मुझे काफ़ी अच्छे उनके जवाब भी लगे. बिल्कुल. और मैं कहूँगी एक्सक्लूसिव था भाई, क्योंकि आमिर खान सर वैसे भी किसी भी हम लोग को वॉर्ड शो पे नजर नहीं आते, कहीं पर भी नजर नहीं आते मूवीज के. बिल्कुल. और मुझे लगता है ये कि उनके फैंस के लिए एक ट्रीट है कि वो कपिल शर्मा शो पर आए. बट मैं ना कुछ एक्सपेक्ट कर रही थी साथ में कि सुनील सर भी आए और बीच में यू नो हम लोग कुछ. आपको नेटफ्लिक्स पे कपिल शर्मा शो देखना पड़ेगा. मतलब मैं इस तरह का भाई, क्योंकि मैं ना मतलब लाइक उनकी परफॉर्मेंस और विद गेस्ट बड़ा मजा आता देखने का, क्योंकि वो जिस तरीके से परफॉर्म करते हैं ना उस टाइम पर, यूजली क्या होता है कि जो गेस्ट की एक्टिंग होती है ना उसी तरह की वो कर रहे होते हैं. वैसे मूवीज की अगर उनकी बात करें तो भाई लाल सिंह चड्ढा जो है वो मैंने देखी है, मुझे तो अच्छी मूवी लगी. गाने उस मूवी के अच्छे, बहुत अच्छे हैं. लाल सिंह चड्ढा मैंने मूवी नहीं देखी, बट मैंने उसकी ओरिजिनल वाली मूवी देखी थी जो इंग्लिश मूवी थी ना. okay. तो मुझे बहुत पसंद आई थी. खैर इसलिए आपने लाल सिंह चड्ढा नहीं देखी? मैंने इसलिए नहीं देखी, मैंने कहा रीमेक है, बट आई एम श्योर कि काफी चेंज भी होगा बीच में. बट अगर क्वेश्चंस की बात करें तो मुझे लगता है एक क्वेश्चन तो मौजम का भी है. बीच में वो जो सना ने क्वेश्चन बीच में पूछा था ना, मतलब वो जब क्वेश्चन कर रही थी और बीच में रिश्तेदारों की बातें हो रही थी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जो मर्जी बोलते रहे रिश्तेदार. तो मौजम की अक्सर जब हम वीडियोस बनाते हैं ना तो इसकी कंप्लेंट ऐसे वाली होती है कि मतलब रिश्तेदारों से रिलेटेड बहुत तंग करते हैं, बहुत ऐसा करते हैं, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. फर्क किसने लेना है यार. लेकिन मैं ये बात कह रही कि मुझे मौजम से मिलता जुलता वो क्वेश्चन लगा. बाकी मतलब मुझे लगता है कि सब लोग जो कि खान्स के बहुत ज्यादा फैन हैं वो तीनों को एक जगह पर एक मूवी में जरूर देखना चाहिए. आमिर खान सर की शाहरुख खान सर के साथ कोई मूवी है? ओह मौसम काफी मुश्किल सवाल पूछ लिया तुमने. पूछ लिया है क्योंकि मतलब मेरी सलमान खान सर के साथ तो है ये रात और ये दूरी. अंदाज अपना अपना. यस. और लेकिन पता है अभी रिसेंटली अंदाज अपना अपना के बारे में मेरी बहन मुझे बता रही थी कि उन्होंने ना उस मूवी के बारे में न्यूज़ पढ़ी. और तुम्हें मजे की बात बताऊं, मैंने मतलब उन्होंने मुझे बताया कि अंदाज अपना अपना के बाद सब एक्टर्स ही आपस में इतनी लड़ाई हो गई, इतनी लड़ाई हो गई कि जब प्रमोशन थी आई थिंक उस पे भी कोई नहीं आया. इवन के डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी नहीं आए. तो वो नहीं मुझे पता डायरेक्टर प्रोड्यूसर का दोनों में से कोई एक नहीं आया. लेकिन वो मूवी बहुत हिट गई. वैसे अगर डायरेक्टर भी नहीं आया या कोई तो प्रमोशन फिर कैसे हुई मौजम? ये कोई दोनों में से एक नहीं आया. हाँ मतलब जो एक्ट्रेसेस थी उनके बीच में भी क्लेश हो गया और जो एक्टर थे उनके बीच में भी. लेकिन जो है फिर भी अगर देखा जाए तो मूवी बहुत अच्छी है, अभी भी देखने का जो है बहुत मजा आता है. क्राइम मास्टर गोगो जो है उसमें मेरे फेवरेट है. हर करेक्टर उस मूवी का. फिर उसमें भल्ला जो है वो भी करेक्टर जो है बहुत मजे का है. और लेकिन लेकिन अब जो है इंतजार रहेगा कि भाई तीनों खान जो हैं वो किसी एक मूवी में इकट्ठे नजर आए. बट मुझे मेरा दिल करता है कि ना अब जो मूवी बने ना, मतलब अब मैं अपनी ख्वाहिश की बात करूंगी, वो इस तरह की होनी चाहिए एवरग्रीन रे. हाँ मतलब जो एवरग्रीन रे जैसे आपको 90s या अर्ली 2000 में जैसे कभी बहुत ज्यादा ग्लैमर नहीं हो. नहीं कभी खुशी कभी गम में भी तुम्हें बहुत ग्लैमर नजर आता है, लेकिन वो एक फिर भी फैमिली मूवी थी. और मतलब मेरा तो दिल करता है जैसे 90s की मूवी, 90s में आया था अंदाज अपना अपना मूवी ना, 94 जैसे अंदाज अपना अपना है ना, बिल्कुल उसी तरह की कोई मूवी बने, ओरिजिनल लोकेशंस हो.
हाँ मतलब या उस तरह की वो दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उस तरह की एवरग्रीन मूवी हो तो फिर भी यार बिल्कुल दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे बहुत एवरग्रीन मूवी है, बट अगर हम डायरेक्शन की बात करें और स्पेशली लोकेशन की बात करें ना तो वो काफी डिफरेंट उसमें आपको नजर आता है। ये मुझे लगता है कि ये काम जो है ना कि 10-12 साल पहले ही हो जाना चाहिए था, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और मौसम बीच में जो क्वेश्चन आया था जिस तरीके से मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी आमिर खान सर की, जिस तरीके से उन्होंने ना आंसर किया ना सबको, मतलब वो मुझे उनका स्टाइल बहुत अच्छा लगा, मतलब उन्होंने काफी सीरियस लेकर सबके आंसर किए हैं ना, तो मुझे ये चीज अच्छी लगी है। बाकी आप जरूर बताइए किस किसने ये एपिसोड देख लिया और कैसा लगा है, और इसी के साथ गुड बाय।